ओके, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हमारा रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको आएगा। सबसे पहले जान लो कि कौन से चैप्टर्स आपको बोर्ड्स में है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आपको है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चैप्टर नंबर 2 स्किप कर दिया है आप लोगों को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, ठीक है, जो कि आपके इससे पहले पहले के क्लास में, पहले के बैच में भी ये चैप्टर स्किप कर दिए गए, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 इससे पहले के लास्ट पोर्शन, लास्ट सिलेबस में थे, बट इस वक्त पे आपको सिर्फ वो चैप्टर के वाटर रिसोर्सेज से सिर्फ मैप स्किल्स, मैपिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैप आने वाला है उस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चरल, अगेन वो चैप्टर नंबर 4 आपको आएगा, ठीक है, एग्रीकल्चरल के ऊपर आपको क्वेश्चन है। और 5, 6, 7 ये सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। 6 में से शायद आप लोगों को मैप वर्क है, ठीक है, तो मुझे, मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक मुझे कंफर्म करके मुझे बता दे कि क्या है, ठीक है, 5th में से आने वाला है या 6 में से, ये 5th में से, ओके, ठीक है। तो ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने इससे पहले क्लास में पढ़ लिया है, देन तो मैं चाहता हूँ कि वापस से एक बार हम चैप्टर को रिवाइज कर ले और एक बार वापस से हम गो थ्रू कर ले, ठीक है। वेरी फर्स्ट चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और आपके 10th स्टैंडर्ड के सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ज्योग्राफी के ये जो टॉपिक्स हैं, ये ऐसे फ्रेम किए गए हैं कि आने वाले जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, वो ईच एंड एवरी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज के ऊपर ही है, ठीक है। इसलिए आपको फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर दिखाया है, और इम्पोर्टेंट ये चैप्टर इसलिए है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज रिसोर्सेस का जो डेफिनेशन है और रिसोर्सेज के जो मेन इम्पोर्टेंस दिए गए हैं वो आपको इस चैप्टर में से दिए, ठीक है। तो पहले चैप्टर के डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि रिसोर्सेस क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को ये जो वर्ड रिसोर्सेस है, इनसे आप ऑलरेडी फेमिलर हो, ठीक है, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी और बचपन में भी बहुत बार रिसोर्सेस सुना है, ठीक है, जहां आपको पता है कि सन है, वाटर है, एयर है, ये सारे रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस का मेन काम क्या होता है, ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करना, क्या काम होता है मेन, यस, जो रिसोर्सेस ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वो रिसोर्सेस उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। जो भी चीजें अगर ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन क्या बोला गया है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कि आपके इन्वायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट आपको मिलता है, जो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको मिलेगा, जो भी एलिमेंट आपको मिलेगा, अगर वो आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अगर वो आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी नोन एज रिसोर्स, ठीक है। और साथ ही ये जो रिसोर्सेज है, ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है कि आप इसको टेक्निकली यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ये होता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ठीक है। देन इकोनॉमिकली फीजिबल, द वर्ड फीजिबल मीन्स अवेलेबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमिकली ये फीजिबल होना चाहिए, यानी कि इन आर एनवायरमेंट वो इतना ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए कि हम उसको यूज कर सके, क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसके दौरान मैं क्या देना चाहूंगा, सिल्वर, आपको पता है कि सिल्वर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे पास होते हैं एंड इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, एम आई राइट, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप मुझे बताओ कि ऐसे कौन से घर है जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिकल वायर्स में सिल्वर यूज करते हैं, ऐसा कोई है, नहीं है, सिल्वर यूज नहीं किया जाता है, इंस्टेड ऑफ सिल्वर हम क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि कॉपर इज मोर चीपर एज कम्पेयर टू सिल्वर, और सिल्वर अगर आप देखोगे तो वो इकोनॉमिक में, हमारे कंट्री में सिल्वर जो है वो एक ऐसा रिसोर्सेस है, ठीक है, जो एक बार खत्म हो जाए तो वापस से रिन्यू नहीं हो सकता, ठीक है, तो यानी कि लैकनेस है सिल्वर का, क्लियर हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। सो सिल्वर इज नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल, ठीक है, वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, किसके लिए, कॉपर वायर के रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए,
तो हम उसका सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। क्या चीजें हम यूज करेंगे? कॉपर यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये होता है इकोनॉमिकली फिजिबल, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेस आपका कैसा होना चाहिए? फिजिबल होना चाहिए, ठीक है, अवेलेबल भी होना चाहिए और वो इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट आपका बोला है कल्चरली एक्सेप्टेबल, आप उन्हीं चीजों को रिसोर्सेज बोलोगे जो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज होगा। क्लियर हो रहा है? यानी कि कल्चरली सबने एक्सेप्ट किया है, ईच एंड एवरी रिलीजियस ने। वाटर है तो वाटर को सभी ने इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। आप अगर वाटर को बोलोगे, ऐसा नहीं है कि हिंदू है वो वाटर यूज नहीं करते, उनके हिसाब से वाटर रिसोर्सेज नहीं है, ये चीजें नहीं है, ठीक है। यानी कल्चरली पूरा ऑल ओवर इंडिया सभी ने वो चीजें एक्सेप्ट की है कि हाँ बाबा ये चीजें रिसोर्सेज है। समझा सभी को? क्लियर हो गया? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि प्रियंका एक बार वापस से रीड करे और सभी को सुनना है, बिकॉज ये जो डिफाइन है, डिफाइंड रिसोर्सेज, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी डेफिनेशन लिखते हो तो जैसे बुक्स में दिए गए हैं वैसे लिखने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। ये आपके पेपर का प्रेजेंटेशन भी अच्छा बनाएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे से दिलाएगा, ठीक है। चलो रीड करो प्रियंका। Provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resource. समझा सभी को? Any doubts? कोई भी doubts है आप लोगों को resources में? Okay. अब ये जो resources है, ये resources के अलग अलग classifications है, ठीक है, जो इस chapter में important है classifications of रिसोर्सेज, जो कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे और इवन आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक है। तो इकोनॉमिक ये जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कि रिसोर्सेज ओरिजिनेट कैसे हुआ, ठीक है, ये एक क्लासिफिकेशन है। देन ऑन द बेसिस ऑफ ओके रिसोर्सेज, क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसका मतलब रिसोर्सेज जो है, कुछ रिसोर्सेज हमारे एनवायरमेंट में एग्जॉस्ट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं और कुछ रिसोर्सेज हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में ऐसे रिसोर्सेज क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है, कि जो रिसोर्सेस है वो कौन होल्ड करके रख रहा है, ठीक है, ओन एंड मैनेज कौन कर रहा है, इसके ऊपर भी एक क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं। देन और कौन सा रिसोर्सेज है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्सेज आप डेवलप कर सकते हो, वो अनडेवलप्ड है या सेमी डेवलप्ड है, इसमें आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। आप बता सकते हो कि ये रिसोर्सेज डेवलप्ड है, आप बता सकते हो कि ये रिसोर्सेज सेमी डेवलप्ड है, आप बता सकते हो कि ये रिसोर्सेज अनडेवलप्ड है, तो इनको अलग से क्लासिफाई किया गया है। तो स्टार्टिंग के आपके जो 50% ऑफ द चैप्टर आपका है वो है रिसोर्सेज की डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, विच इज वेरी इजीएस्ट, ठीक है, एकदम इजी चैप्टर है यहाँ पर, कि आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन बताना है, उसके सब टॉपिक्स बताने हैं, सब टाइप्स बताने हैं, ठीक है, और जस्ट आपको एग्जाम्पल्स एक मेंशन करना है, ठीक है, और आपका काम वहां पर खत्म। समझा सभी को? क्लियर हो गया?